मुक्का से मार पीट किए, मुक्का से मार, हाँ इस डीएम सर, उसके बाद बोले कि लोग पर गाड़ी तेल डाल के सोए रहते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि जैसे मजदूरी करवाते हैं उस तरह का वेतन को भी देना चाहिए। लाल साड़ी करे पुकार, अब न सहेंगे अत्याचार, इस नारे के साथ सभी सेविका और सहायिका दीदी जो है वो रोड पर बैठी हुई है और इस वक्त पूरा पटना जाम हो चुका है। हम इस वक्त आर ब्लॉक चौराहे पर है, चाहे आर ब्लॉक चौराहा हो या फिर डाक बंगला चौराहा हो, सारे चौराहों को सेविका और सहायिका दीदियों ने जाम कर रखा है। साथ ही साथ मानदेय देना बंद करो, वेतन का प्रबंध करो, इस नारे के साथ पूरे पटने को जाम किया गया। चारों तरफ जो आपको गाड़ियां दिखाई दे रही है, दरअसल ये नज़ारा पूरे पटना शहर का है। मौजूदा समय में सुबह से लेकर इस वक्त दोपहर हो चुका है और लगातार सेविका और सहायिका दीदी जो है धरना पर बैठी हुई है। लगातार कई अधिकारी आए और तमाम अधिकारियों ने इन्हें हटाने की कहा कि यहाँ से हट जाएं, लेकिन इन लोगों का प्रण है कि नीतीश और तेजस्वी सरकार को, देखिए यहाँ पर इन्हें चोट भी आई है, क्या हुआ? लाठीचार्ज से मेरा सिर फूट गया है। कौन किया लाठीचार्ज? जेंट्स पुलिस। जेंट्स पुलिस, क्या हुआ? एसडीएम सर के द्वारा हम लोग शांति पूर्वक बैठे हुए थे, एसडीएम सर लेडीज कांस्टेबल के द्वारा आए, पहले तो हम लोग को मुक्का से मार पीट किए, मुक्का से मार, हाँ एसडीएम सर, उसके बाद बोले कि लोग पर गाड़ी चढ़ा दो। जब हम लोग गाड़ी नहीं चढ़ाने दिए, विरोध किए, तो उसके बाद हम लोग को तीर के गाड़ी में बैठवा रहे थे लेडीज कांस्टेबल के द्वारा, डंडा से मार पीट सब करे, उसी घींचने के द्वारा में हमारी सेविका को, घींच के द्वारा हमारी सेविका को माथा फूट गया है, देख लीजिए। कहाँ से आई आप? हम लोग आए हैं पटना से, है नगर से। क्या मांगे? मांग क्या? मांग हम लोग का 5 सूत्री मांग है, अभी तक राज्य सरकार हम लोग को नहीं सुन रही है, और जब तक हम समान काम का समान वेतन सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, जब तक कि सरकारी कर्मचारी आप न करते हैं, जब तक 25,000 रुपया सेविका को, 18,000 सहायिका को दिया जाए। तेजस्वी तो कहे थे हम दे देंगे, तेजस्वी तो कहे थे हम कर देंगे, निशा तेजस्वी सर वादे करके वादे से मुकर गए, और मुझे माननीय मुख्यमंत्री सर से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि एक सेविका को, एक सेविका पर लाठी चार्ज एसडीएम के द्वारा, खुद उन्होंने सेविका को मारपीट किया है, हाथ धर धर के एसडीएम उठाए हैं, और हम सब पूछ रहे थे कि तुम्हारा कोड कहाँ, इसका नौकरी खत्म करेंगे, डरा रहे थे। एसडीएम सर के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया एक लेडीज के द्वारा। क्या क्या परेशानी तो है, ऐसे सब लेडीज लोग को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, यही तो परेशानी है। लेडीज मारता है तो मरता है, जेंट्स मार रहा है ऊपर से। जेंट्स मार रहा है, कोई अधिकारी आया मिलने? देखे आला चलाने के लिए वहाँ पर मार रहा है लेडीज को। जितनी भी क्या क्या परेशानी है मैडम? परेशानी क्या है, हम लोग ड्यूटी करते हैं, एक महीने का वेतन मिलता है 5900 रुपया, 5950 रुपया, क्या आज के डेट में हम जो मजदूर रखते हैं उसे 500 रुपया हम लोग देते हैं एक दिन का, और ये सरकार ये क्या दोहरी नीति कर रही है, हमें तो पता नहीं कि किस जमाने का जो वेतन बढ़ा वही वेतन चले आ रहा है। एक आदमी का जो होता है, एक सेविका का भी पेट, लाठी चार्ज भी हुआ, पानी का भी बौछारा हुआ, और हमारे यूनियन का जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें हवाई अड्डे जेल में रखा गया है, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हमारी ये धरना चलती रहेगी, अनिश्चितकाल हड़ताल, और जब तक उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा तब आप लोग सुबह से रोड जाम करेंगे ही करेंगे। आज सरकार को दिखाई नहीं दे रही है, एक महीने से लेटर हम लोग दिए हैं, रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, तभी भी सरकार के कान में खोट भरा हुआ है, उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है। आज इतना जनता परेशान है, इतने बस में बच्चे परेशान हैं, एम्बुलेंस में पेशेंट मर रहे हैं, ये किसका नेकी है, ये किसका देन है? ये सब नीतीश कुमार का, तेजस्वी यादव का देन है कि आज इतनी भीड़ जमा है, रोड जाम होगा तो एकदम कान में तेल डाल के सोए रहते हैं। उनको भी सोचना चाहिए कि जैसे मजदूरी करवाते हैं उस तरह का वेतन को भी देना चाहिए। देखिए यहाँ पर और भी, आप ही को चोट आई है, दिखाइए चोट, कैसे चोट आई? चोट लगा डंडा से। डंडा से मारा है? हाँ। कौन मारा? प्रशासन मारा।
आप लोग को हटने के लिए कह रहा था और डंडा भर रहा। गाड़ी पास देने के लिए कि आप लोग साइड हो जाइए, रोड से हट के किनारे खड़ा बैठ के रोड के लिए रखिए। तो हम लोग यहाँ रोड पे बैठने के लिए नहीं आए हैं, हम अपना हक मांगने के लिए आए हैं। जब आपको आने जाने के लिए सुविधा दे ही देंगे तो हम किस लिए यहाँ आए हैं। देखिए बेहद ही गंभीर तरीके की ये चोट आपको मालूम पड़ रही है, ये माथा जो है ये सर फूट चुका है, ये सर आपको फूटा हुआ दिखाई दे रहा है, बेहद ही गंभीर चोट आई है। यहाँ तक कि एक सेविका की मौत भी हो चुकी है, कई सेविकाएं हॉस्पिटल में भी मौजूद है। क्या परेशानी है देखिए, यहाँ पर जितनी सेविकाएं बैठी है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, सभी लोग अनिश्चित काल धरना पर बैठी और सबकी एक ही गुहार है कि वेतन मान की जाए। क्या दिक्कत है? हम लोग अपने पांच सूत्री मांग को लेकर बिहार विधानसभा का घेराव किए हैं, सुबह 8 बजे से बने हैं, लेकिन अभी तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं। देखिए यहाँ पर एक बड़ा ही दृश्य है, क्या लगेंगे हम लोग जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक रोड जाम रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक भी गाड़ी को जाने नहीं दिया जा रहा है। देखिए एक भी गाड़ी को जाने नहीं दिया जा रहा है और चारों तरफ से सहायिका और सेविका दीदी घेरे हुए। हम आपको आर ब्लॉक का ये आर ब्लॉक चौराहे की ये दृश्य दिखा रहे थे, लेकिन इसके अलावा आप जिस भी चौराहे पर जाएंगे हर चौराहे की यही दृश्य देख, मेरे पीछे जितनी आपको गाड़ियां देख रहे हैं यही नज़ारा है पूरे पट्टा शहर का। हर गाड़ी ऐसे ही एक के एक पीछे कतारबद्ध तरीके से जाम हुई पड़ी है, किसी को जगह नहीं मिल पा रहा है जाने की, एम्बुलेंस भी फंसी हुई है, बड़ी बड़ी बस दो पहिए वाहन तमाम तरह के जितने भी वाहन दिखाई दे रहे हैं आपको सभी फंसे हुए हैं और सबका यही नज़ारा पूरे पटना शहर में। आप पटना में कहीं भी जाएं आज आपको यही नज़ारा देखने को मिलेगा। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से ये सेविका और सहायिका दीदी की सीधी मांग है, पांच सूत्री मांग है, लेकिन तेजस्वी और नीतीश कुमार इन मांगों को पूरा करते नहीं नजर आ रहे। फिलहाल देखना यह है कि आखिर अनिश्चित काल तक ये धरना कब तक जारी रहता है और कब तक मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार इन लोगों की गुहार नहीं सुनते। अपने सहयोगी शेखर घोष के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार, झारखंड, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी,
और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।